चल राउंडअप की ओर। पांवटा साहिब में डीएसपी सोमदत्त को नशे के कारोबारी को पकड़ने में सफलता मिली है। बता दें आपको कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी संदीप से 144 नशे कैप्सूल बरामद किए और साथ ही उसे गिरफ्तार भी किया। कांग्रेस विधायक अदनीराम सोलन के विकास कार्यों का जायजा लेने सोलन शहर की जनता के बीच पहुंचे। आपको बता दें कि माल रोड और टैंक रोड का दौरा कर विधायक ने लोगों की परेशानियों और उनकी मांगों को भी सुना और इस मौके पर उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरके कॉलेज अपने 25 साल पूरे कर चुका है और जिसको लेकर कॉलेज प्रशासन और ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन मिलकर 25 जुलाई को रजत जयंती समारोह का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें कि इसी को लेकर कॉलेज परिसर में बैठक का आयोजन किया गया और कॉलेज के रजत जयंती समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इंटरनेशनल खिलाड़ी आयुषी अंडर 23 एशियन वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भाग लेकर वियतनाम से धर्मशाला लौटी। धर्मशाला लौटने पर आयुषी का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आयुषी ने वियतनाम में एशियन वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिले ने जिलाधीश श्री हरिकेश मीणा को मांग पत्र सौंपा। बता दें आपको कि मांग पत्र वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष जगवीर चंदेल की अध्यक्षता में सौंपा गया और शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी, केंद्रीय शिक्षकों के समान 7वें वेतनमान को लागू करना और नई पेंशन योजना को वापस लेना, नियमित आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां करना आदि मांगे हैं। मंडी में ओम साई सेवा समिति ने संतोषी माता मंदिर के परिसर में सफाई अभियान शुरू किया है और इस अभियान में समिति के सदस्यों के साथ ग्रामीण भी शामिल हुए। सफाई अभियान का उद्देश्य मंदिर में साफ सफाई और सुंदरता बनाए रखना था। कुल्लू में कार सेवा दल ने दिव्यांग परिवारों की मदद की और संस्था ने ऐसे परिवारों की मदद की है जो कि अपने परिवार का पालन पोषण भी करने में सक्षम नहीं है। वहीं संस्था ने ऐसे लोगों का आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया है। पांवटा साहिब के तारूवाला में कार और साथी ऑटो में जोरदार टक्कर हुई जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। ज्वाली में पिता की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। आपको बता दें कि सहायक जिला न्यायवादी भूपेंद्र कटोच ने बताया कि 20 अप्रैल 2017 को दियाणा गांव में एक बेटे ने अपने पिता पर तेजधार हथियार से वार किया था जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। शिमला में वकीलों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि वकील प्रतिबंधित मार्गों को खोलने के लिए पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं डीसी ऑफिस के बाहर वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर में जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग में विक्टोरिया क्रॉस विजेता के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में एसडीएम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कॉलेजों के साथ साथ पूर्व सैनिकों ने अपनी कलाकारी दिखाई जिसके बाद एसडीएम ने सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया। मंडी में पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 1 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि दरअसल शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी इस लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे और लिखित परीक्षा का आयोजन जिले के सभी मुख्यालयों में होगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।